अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे और आपके प्यारे पैगंबर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मकाम व मर्तबा, जो इज़्ज़त, जो जाहो जलाल, जो मकाम, जो रिफ़त, जो बुलंदी अता की है, अल्लाह ने वो मकाम व मर्तबा किसी नबी को अता नहीं किया। मेरा भी नज़रिया है, मेरा अकीदा है, एक अल्लाह से कम इस कायनात पर, इस धरती पर, इस ज़मीन पर किसी का मकाम व मर्तबा है, वो ज़ात है तो इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपनी अपनी बारी पर जितने नबी आए उन्हें अल्लाह के हुजूर कुछ मांगना पड़ा, मांगा तो तब रब ने उनको अता किया। मेरे महबूब को अल्लाह ने यह मकाम व मर्तबा अता किया है, अल्लाह ने हर चीज मेरे महबूब को अता की, बिन मांगे अता कर दी। आप सबसे पहले उस पैगंबर पर नजर दौड़ाएं जिसको अल्लाह ने अपने रहमत के हाथों से बनाया, फरिश्तों को उसके सामने झुकाया और फिर अबुल बशर पैगंबर का लकब से उन्हें नवाजा। जब उनसे थोड़ी सी गलती हुई, निसियान हो गया, भूल गए, अल्लाह ने फरमाया वला तकरबा हादिही शजरा, मेरा आदम ये सारी जन्नत आपके सुपुर्द है, आपके हवाले है, खाओ पियो, ऐश उशरत करो, कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं, कोई मुमानियत नहीं, मगर मैं तुम्हें कहता हूँ वला तकरबा हाद ही शजरा, मेरा आदम इस दरख्त के करीब ना जाना, बाकी सारी जन्नत आपके सपुर्द है। अल्लाह ने मना किया, हजरत आदम अली सलाम से निसियान हो गया, भूल गए, शैतान ने वसवसे डाले, बिल आखिर जिससे मना किया था वही करके दिखाया, अल्लाह ने जन्नत से देश निकाला कर दिया, बाहर निकाल दिया, जाओ फिर मेरा आदम जमीन पे उतर जाओ, जंगल बियाबान है, चटियल मैदान है, वीरान इलाका है, अभी तो इंसानियत की इब्तदा हो रही है, हजरत आदम है, हजरत हव्वा है, अल्लाह ने इन दोनों को भी जुदा कर दिया। आप तसव्वुराती दुनिया में देखें, एक इंसान जंगल में रहने वाला हो, तन्हे तनहा हो, अगर दो हो फिर दोनों को जुदा कर दिया जाए, उनकी क्या कैफियत होगी, क्या नज़ाकत होगी, क्या हालत होगी, क्या उनकी तबीयत होगी, क्या तबीयत पर गुजर होगा। पहले इकट्ठे हैं फिर दोनों को जुदा कर दिया, हजरत आदम उधर रो रहे हैं, हजरत हव्वा इधर इनकी जुदाई में रो रही हैं, रोते रहे मनाते रहे, और बिलाखिर ऊपर से कोई आवाज़ नहीं आई, कोई तिला नहीं आई, कोई पैगाम, कोई सलाम, कोई कलाम नहीं आया। बिलाखिर हजरत आदम अलैहि सलाम ने देखा रब्बुल आलमीन बड़ा सा दराज हो चुका है, तेरी तस्बीह तहलील तकदीस पाकी बयान करते हुए मौला तुझे मनाता रहा मगर तू ना माना, या अल्लाह अगर कोई ऐसे जुमले कलेमात अल्फाज जो मेरी जुबान पर आए जिनसे तू राजी हो जाए, अगर वो जुमले वो कलेमात वो अल्फाज मेरी जुबान से अदा नहीं हो रहे, या अल्लाह तू खुद बता दे ताकि मैं वो बोल बोलूं
वो अल्फाज वो जुमले वो कलमात अपनी जुबान पे लाऊं और तू मुझसे राजी हो जाए। अल्लाह कुरान करीम में कहते फतलका आदम मिर रब्बी ही कलिमात, मेरे आदम रोते रहे गिड़गड़ाते रहे आंसू बहाते रहे मेरे दरबार पे झुकते रहे मेरी तस्बीह तहलील तकदीस मेरी पाकी बयान करते रहे मांगते रहे। बिल आखिर मांगने के बाद अरसा दराज के बाद अल्लाह कहते हैं मैंने उनको एक आयत दी। हजरत आदम ने जो कहा या अल्लाह अगर मुझे तेरे मनाने का ढंग नहीं आता तरीका नहीं आता सलीका नहीं आता तो खुद बता दे ताकि मैं वो माफ़ी मांगूँ अब उजारी करूँ वो कलिमात वो जुमले दोहराऊँ और तुम उससे राजी हो जाए। फ़ता लक्का आदम मिन रब्बी ही कलिमात फताब अलैही इन्नहू हुवत तव्वाब रहीम। हजरत आदम ने मांगे तवज्जो करना अहले ईमान बड़ा जुमला कीमती है मेरा ज़ाया ना कर देना। हजरत आदम ने मांगा एक दिन नहीं दो दिन नहीं बड़ा अरसा दराज मुफस्सिरीन के इसमें मुख्तलिफ आरा और तजावीज हैं 40 साल मांगा या 80 साल मांगा मांगते रहे मांगते रहे। अल्लाह ने एक आयत दी अल्लाह ने एक आयत दी एक आयत वो आयत कौन सी है रब्बाना ये तो सबको आती है आप भी जरा दोहराएं रब्बाना रब्बाना किसको कहा ए हमारे रब सबसे पहले किसकी ए हमारे रब। हजरत आदम भी मुश्किलात में किसको पुकारते हैं रब्बाना रब्बाना। अल्लाह ने फरमाया मेरा आदम फिर पढ़ रब्बाना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ए मेरे परवरदिगार आलम हमने अपनी जानों पे जुल्म किया हमने अपने जानों पे ज्यादती की व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना अगर तू हमें मुआफ़ नहीं करेगा तेरे सिवा कोई हमें मुआफ़ करने वाला नहीं है तेरी ज़ात है जो मुआफ़ करने वाली है लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। परवरदिगार आलम अगर तूने हमें मुआफ़ ना किया तो यकीनन हम खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया मेरा आदम पढ़ो पढ़ना तुम्हारा काम होगा आपकी तोबा कबूल करना मेरा काम होगा। हजरत आदम ने ये जुमले ये कलिमात ये अल्फाज ये दोहराए इस तरह रब्बुल आलमीन के हुजूर माफ़ी मांगी अल्लाह ने उनकी माफ़ी को कबूलो मंजूर। रोए जो है हजरत आदम रोए तो कितनी आयात मिली हैं भाई एक आयत। जरा आप फिर इधर आमना के लाल को देख अब्दुल्ला के चल को देख आमना के दुर्रे यतीम को देख मक्का के सरदार को देख मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को देख मुस्तफ़ा को देख मुर्तजा को देख मुजतबा को देख महबूब खुदा को देख सारे नबियों के अफसर को देख सारी कायनात के इमाम को देख सैयदुर रसूल को देख फखरुर रसूल को देख। अल्लाह क्या फरमाते हैं ऐ मेरा प्यारा पैगंबर मेरे आदम 40 साल रोए 80 साल रोए रो रो के मांगते रहे मुझे तरस न आया मुझे रहम न आया बिलाखर मांग मांग के थक गए। मैंने एक आयत दी मेरे आदम को मैंने एक आयत दी मेरा सोना पैगंबर तू ते मंगिया भी कोई नहीं मैं बिन मंगे पूरा दा पूरा कुरान तेरे दामन विच पा छड़िया तू ते मंगिया भी कोई नहीं हमने पूरा कुरान तेरे दामन में डाल दिया और तुझे पाबंद नहीं किया मेरा पैगंबर मैंने तुझे पाबंद नहीं किया। अल्लाह ने नबियों को पाबंद किया है तौरात देनी है इंजील देनी है जबूर देनी है जाओ मेरा मूसा चिल्ला काटो कोहे तूर पे आ जाओ ऐ मेरा ईसा फुला जगह पे पाबंद हो जाओ मेरा दाऊद फुला जगह पर फुला मकाम पर बैठ जाओ किताब मिलेगी फिर तुमसे बात की जाएगी। ओए लोगों मेरे नबी को जो अल्लाह ने मकाम व मर्तबा दिया है वो किसी को मकाम व मर्तबा नहीं दिया। अल्लाह ने सारे नबियों को पाबंद किया पाबंद किया आमना के दुर्र यतीम को अल्लाह ने पाबंद नहीं किया
देखिएगा, अगर मेरे प्यारे पैगंबर अलैहि सलातो सलाम मक्का की सरजमीन पर हैं, कुरान मेरे पैगंबर के पास मक्का की सरजमीन पर आता है, अगर मेरे प्यारे पैगंबर मदीना तय्यबा में हैं, कुरान मदीना तय्यबा में आता है, अगर मेरे प्यारे पैगंबर तह में हैं, कुरान तह में आता है, अगर मेरे प्यारे पैगंबर उहद में हैं, कुरान उहद में मेरे पैगंबर के दामन में जाता है, अगर मेरे पैगंबर बदर में हैं, कुरान पैगंबर की खिदमत में बदर में जाता है, अगर पैगंबर तबूक में हैं, कुरान तबूक में पीछे जाता है, मेरे पैगंबर सफ़र में हो, कुरान पीछे जाता है, मेरे पैगंबर हजर में हो, कुरान पीछे जाता है। अल्लाह तवज्जो कीजिए, अगर मेरे पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐशा सिद्दीका के बिस्तर पे हो, कुरान ऐशा के बिस्तर पे उतरता है। जो अल्लाह ने मेरे नबी को मकाम दिया है वो किसी नबी को मकाम और मर्तबा नहीं दिया। देखिएगा, रब्बुल आलमीन के दरबार में मूसा कलीमुल्लाह अलैहि सलातु वसलाम को अल्लाह ने फरमाया, आ जाइए कोहे तूर पर, मेरे पैगंबर खुद नहीं आना, तनहा ना आना, अलग थलग ना हो के आना, अपने रुफका को, अजीज़ों को, मानने वालों को, पैरोकारों को, शिदाइयों को, सिपाहियों को, नाम लेने वालों को, आपके पीछे चलने वालों को साथ लेके आना है। कोहे तूर पे आना, मैं कलाम करूँगा, मैं बातें करूँगा। मूसा अलैहि सलात व सलाम निकले हैं अपने रफीकों को लेकर, साथियों को लेकर, दोस्तों को लेकर, अहबाब को लेकर निकले हैं। जब कोहे तूर बिल्कुल करीब आ गया, कोहे तूर बिल्कुल करीब आ गया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों को छोड़ दिया, भाग पड़े हैं, दौड़ने लगे हैं, तेजी से चलने लगे, तेजी तेजी से चल के कोहे तूर पे आके खड़े हो गए। रब्बुल आलमीन ने पूछा, मेरे करीम किधर आए हो, तन्हा आ गए हो, अकेले आ गए हो? मैंने तो कहा था अपने मानने वालों को साथ, मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, अपने मानने वालों को साथ लेके आना है। मूसा अलैहि सलाम ने कहा, मौला मैं इसलिए जल्दी जल्दी भागा, जल्दी जल्दी दौड़ा, इनकी खैर है, मैं रब्बुल आलमीन से जाके कलाम करूँगा और रब मुझसे राजी हो जाएगा। आजिल तो इलैका रब्बी लितरजा, मौला मैं इसलिए जल्दी जल्दी भाग के आया हूँ ताकि तू मुझसे राजी हो जाए। और जब आमना के लाल की बारी आई है, बदरुद्दुजा की बारी है, यह सैयदुल कौनैन की बारी है, यह कौसरो तस्नीम से दुरी हुई जुबान की बारी आती है, अम्मा ऐशा सिद्दीका के घर वाले की बारी आती है, मेरे पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बारी आती है और जनाबे वाला फातिमतुज़्ज़हरा के बाबा की बारी आती है, तो कुरान क्या कहता है, वला सौफा युतीका रब्बुका फतरजा, मेरा पैगंबर तेरा रब तुझे इतना देगा, इतना देगा, इतना देगा। फरमाया, तेरा रब आसमान से तुझे देता रहेगा, अर्शे बरीन से देता रहेगा, तेरा दामन भर देगा, तेरी झोली भर देगा, तुझे भी जनाबे वाला राजी कर देगा, तेरे मानने वालों को भी राजी कर देगा, देता रहेगा, देता रहेगा। और जनाबे वाला वाला सौफयूती का रब्बू का फतरजा, रब कह रहे मैं तुझे इतना दूंगा, देता ही रहूंगा और उस वक्त तक बस नहीं करूंगा जब तक कि तू राजी ना हो जाए। फर्क है या नहीं है? इधर मूसा अलैहि सलाम कह रहे हैं, या अल्लाह मैं इसलिए जल्दी भाग के आया हूँ ताकि तू राजी हो जाए, और जब मेरे पैगंबर की बारी आई, अल्लाह कहते हैं सोनिया तेन इन्ना दवांगा, इन्ना दवांगा, इन्ना दवांगा, जब तक तू नहीं ना कहेगा बस कर, मैं दिंदा ही रहूँगा। नबी अलैहि सलात व सलाम से सहाबा से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह जो कह रहे हैं मैं आपको देता रहूँगा, नवाजता रहूँगा, आपका दामन भरता रहूँगा, झोली भरता रहूँगा, उस वक़्त तक बस नहीं करूँगा जब तक मेरा पैगंबर तू नहीं कहेगा कि या अल्लाह बस कर। आप अल्लाह पे कब राज़ी होंगे? सुनिएगा, आप अल्लाह कब राज़ी होंगे? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अल्लाह की ज़ात के ऊपर उस वक़्त राज़ी होऊंगा, मैं उस वक़्त कहूँगा या अल्लाह बस कर, जब तक मेरा एक उम्मती भी जहन्नम में हुआ,
मुशफिक नबी है, उम्मत का गमखार नबी है, जानिसार नबी है, रहमतुलिल आलमीन नबी है, उम्मत का गमखार नबी है, रहमतुलिल आलमीन नबी है। आपने फरमाया जब तक मेरा एक उम्मती भी जहन्नम में हुआ और उसे ना निकाल दिया गया, जन्नत में मुंतकिल न कर दिया गया, तुम्हारा मुशफिक नबी उस वक्त तक अल्लाह पे राजी नहीं होगा। तो इसलिए अल्लाह क्या कहते हैं, वरफअना लका ज़िक्रक, मेरा सोना पैगंबर हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया, इतना बुलंद कर दिया, इतना बुलंद कर दिया, इतना बुलंद कर दिया। मौला कितना बुलंद करेगा? अल्लाह ने फरमाया मेरा महबूब मैं तेरे नाम को इतना चमकाऊंगा, इतना बुलंद करूंगा, मेरा नाम लेने वाले, फरमाया जब मुअज्जिन अजान देगा मेरे नाम का नारा बुलंद करेगा, पहले मेरा नाम होगा, बाद में तेरा नाम होगा, और फिर जब जमात खड़ी होगी और मुकब्बिर तकबीर पड़ेगा, पहले मेरे नाम लिया जाएगा, बाद में तेरा नाम लिया जाएगा, और फरमाया इमाम और मुक्तदी पहले मेरा नाम लेंगे, तस्बीह तहलील तकदीस मेरी बाकी बयान करेंगे, और मेरा पैगंबर जब तक वो नमाज के अंदर तुझ के ऊपर दुरूद न पढ़ लेंगे, नमाज मुकम्मल नहीं होगी, फिर मुझे कहने दीजिए अजान में अल्लाह के नाम के बाद मेरे पैगंबर का नाम ना आए, अजान मुकम्मल नहीं होती है, तकबीर के अंदर अल्लाह के नाम के बाद मेरे पैगंबर का नाम ना आए तो जनाबे वाला तकबीर मुकम्मल नहीं होती, नमाज में अल्लाह के नाम के बाद मेरे पैगंबर का नाम ना आए तो नमाज मुकम्मल नहीं, नमाज जनाजा के अंदर अल्लाह के नाम के बाद पैगंबर के ऊपर दुरूद ना पढ़ा जाए उस वक़्त तक नमाज जनाजा मुकम्मल नहीं। अरे हर एक चीज़ के अंदर देख लीजिए, अल्लाह ने फरमाया मेरा पैगंबर जहाँ जहाँ मेरे नाम के डंके बजेंगे, जहाँ जहाँ मेरा नाम लिया जाएगा, मेरे नाम के चर्चे होंगे, वहाँ मेरा पैगंबर तेरे नाम के भी डंके बजते रहेंगे, इसलिए कि मैं रब्बुल आलमीन हूँ, तू रहमतुल आलमीन है, वो रब्बुल आलमीन ये रहमतुल आलमीन है।